इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सीएससी से जो पैन कार्ड अप्लाई किए हैं उनका स्टेटस कैसे चेक करें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम गूगल क्रोम को खोलते हैं। इस गूगल क्रोम में खोलने के बाद हम लिखेंगे सीएससी लॉगिन। जैसे हमने सीएससी लॉगिन खोल दिया, इसको बारीकी से बताएंगे जूम कर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल इस पर लॉगिन करेंगे, ओके करेंगे। जैसे हम इसको ओके कर रहे हैं, ठीक है। इसको ओके करने के बाद एक दूसरे पेज पर लाएगा लॉगिन करने के लिए, ठीक है। हम इसमें देखिए जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे हमको लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पे हमने लॉगिन ओके किया, हमने इसमें लॉगिन करेंगे तो मेरा ऑलरेडी इसमें सेव है आईडी पासवर्ड, इसलिए मेरा लॉगिन ऑटोमेटिक हो गया। आप लोग वैसे नहीं करेंगे, आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा वहाँ लॉगिन करने के बाद। अब यहाँ पे जाइए, सर्च बारे में जाएंगे, सर्च सर्विस में ओके करेंगे। इस सर्विस को ओके करने के बाद इसमें और ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें ऑप्शन खोलते ही आपको सर्च बार में जाना है, इस साइड में राइट वाले साइड में सर्च बार में जूम करके दिखाते हैं आपको। इसे देखिए जूम करके दिखा रहे हैं। इसमें हम लिखेंगे पेन, PAN पेन। इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है। इसको हम जूम आउट करते हैं, इसको हमको ओके करना है यहाँ पे इस कॉलन वाले ऑप्शन पे। इसको हम जूम करके दिखाते हैं, पैन कार्ड EKYC सर्विस। इसको हमको ओके करने के बाद, इसको ओके करने के बाद देखिए हम यहाँ पे लॉगिन करने गए इस वाले पोर्टल पे, क्लिक किया, इसको हम ओके किए, ठीक है। इसको ओके करने के बाद हमको अब स्टेटस चेक करना है, ट्रैक पेन या डैशबोर्ड मिनी में जाएंगे तो हम लोग ट्रैक पेन पर पहले जा रहे हैं, ठीक है। उसमें एप्लीकेशन का एप्लीकेशन नंबर रहेगा, उसको उस एप्लीकेशन नंबर को डालने के बाद आपका डिटेल दिखा देगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दिए, इसको जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए एप्लीकेशन नंबर है, इस एप्लीकेशन नंबर को हम डालकर सबमिट करते हैं। इसको हम सबमिट कर दिए, देखिए उसके बाद हम सबमिट पर ओके मारते हैं। देखिए ये आपका डिटेल दिखा दिया, आपका पैन कार्ड बन गया है, किस डेट में आपका पोस्ट ऑफिस में आ गया, ये भी डिटेल बताता है कि किस डेट में पोस्ट ऑफिस में आ गया है। चलिए हम दूसरा खोलते हैं, डैशबोर्ड 49A में जाते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड 49A में ओके करते हैं, इसको ओके करना है, यहाँ सेलेक्ट करते हैं ईयर, इस ईयर में कितना आपका पैन कार्ड बना है, 2022-23 में हम करेंगे, इसको मारेंगे ओके। उसके बाद सबमिट, इस सबमिट को ओके मारने के बाद, ठीक है, इसको हम सबमिट मार दिए। अब यहाँ पे जूमिंग करके दिखाते हैं कि मेरा इस साल में कितना बना है, 24 को, तो इसको हम ओके मारते हैं, ठीक है। अप्लाई, इसको हम ओके मारिए, और इसके बाद मेरा एक और डैशबोर्ड खुला कि कितना आदमी का अप्लाई हुआ है, कितना आदमी का। और यहाँ से हम चेक स्टेटस पर मारेंगे, चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे और जूम करके बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे चेक किए, चेकआउट देखिए, आपको जूम करके दिखाते हैं कि हाँ इनमें क्या क्या लिख रहा है। ये एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस, इनका प्रोसेस में चला गया है और इनका पैन कार्ड अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है। और दूसरा भी हम दिखाएंगे आपको, जैसे हम इसको ओके कर देते हैं, इनका पैन कार्ड, इनका नाम हो गया, पैन कार्ड अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है। और इनका भी हम दूसरा दिखाते हैं, दूसरा आदमी का, हाँ कि उनका क्या प्रोसेस है, उनका बना है कि नहीं, हाल ही में उनका अप्लाई हुआ है, एक दिन हुआ, ठीक है। चलिए हम उसको भी दिखाते हैं। चलिए यहाँ जूम आउट कर उसके बाद फिर चेक स्टेटस पर मारेंगे हम। देखिए इनका एप्लीकेशन अंडर है वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन इज वेरिफिकेशन एंड अंडर प्रोसेस, इनका अभी प्रोसेस में लगा है क्योंकि एक ही दिन हुआ है अप्लाई किए, ठीक है। ऐसे ही आप अपना पैन कार्ड का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, या ये जो अप्लाई सीएससी से किए हैं वही ऐसे चेक करेंगे, नहीं तो अलग मेथड है।
इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।